एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस। मैं हूं आपके साथ रजत सेठी, जो कि कॉमन सेंस का आज का एपिसोड लेकर आया हूं रेलवे स्टेशन से। जी हां, रेलवे स्टेशन में हम कुछ यात्रियों की और कुछ लोकल लोगों की आज कॉमन सेंस चेक करेंगे। कुछ आसान से कॉमन सेंस वाले सवाल उनसे आज हम पूछेंगे। पर प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम आपको दिखाएंगे हर बार की तरह हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, आपकी नॉलेज हर बार की तरह बढ़ेगी और जब भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप हमें जरूर याद करेंगे। तो देखिए हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, ये तो था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि जो पोलर बियर होते हैं वो एक बार में 86 पेंगुइन्स को खा सकते हैं। करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत। पहला सवाल जो हमारे आज के कार्यक्रम का है वो ये है कि ऐसा कौन सा पेड़ है, जी हाँ ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, फल होते हैं उस पेड़ में, हमने फल भी बड़ी बार खाए होंगे। ये कॉमन सेंस वाला सवाल है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती। तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और देखते हैं वो इस सवाल में अपनी कॉमन सेंस लगा पाते हैं या नहीं। नाम बता दो सर अपना। प्रेम कुमार। करते क्या हो? पीओपी। पीओपी करते हो? हाँ। अच्छा, कॉमन सेंस है आप में? नहीं। क्यों नहीं है? उतना दिमाग ही नहीं है हम लोग के पास। दिमाग कहाँ गया आपका? हवा में। हवा में दिमाग? हवा में कैसे चला गया? हम लोग दिन भर पीओपी में लगे रहते हैं ना, इसलिए दिमाग हवा में रहता है। अच्छा, दिमाग को पीओपी कर देते हो? हाँ। नाम बताए सर अपना पहले। हमारा नाम बीरू सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। यूपी के। सर कॉमन सेंस होती है यूपी वाले लोगों में? कॉमन सेंस का मतलब? कॉमन सेंस मतलब सोचने समझने की सेंस जो होती है। होती है? हाँ बिल्कुल होती है। आप में है? बिल्कुल है। चलो सवाल पूछूं मैं आपसे कॉमन सेंस। तो बताइए ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? अब भाई इसके बारे में तो मैं पढ़ा नहीं हूँ। नहीं, पढ़ने वाली बात नहीं, हमने उसका फल भी खाया होगा उस पेड़ का बड़ी बार। कोफ्ता खाए हम लोग जिसमें लकड़ी नहीं होती है। लकड़ी नहीं खाई सर, फल खाया। बोलिए फल कहाँ से खाए, समझे ना? तब फल भाई जिस पेड़ में पर रहेगा उसमें तब लकड़ी जरूर होगी। कॉमन सेंस आप में? बिल्कुल सर, कॉमन सेंस थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं भी है, क्योंकि उम्र है अभी। कॉमन सेंस होता भी है नहीं भी होता है। उम्र मतलब उम्र में क्या? एज में कभी कॉमन सेंस आती है कभी जाती है, जैसे लड़की आती जाती है उसे कॉमन सेंस भी आती जाती है। ऐसी कौन सी एज है आपकी जिसमें आती जाती रहती है? 23 है मेरी एज। 23 में आती जाती रहती है? आती जाती रहती है, बिल्कुल इस उम्र में ही आएगी जाएगी, बुढ़ापे में थोड़ी आएगी जाएगी। नाम बताओ सर अपना। सर धर्मेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के रहने वाले हैं सर। सर हमारा आपको अपने कॉमन सेंस है पहले ये बताओ। क्या सर, मैं बीएड कर ली किया हूँ सर और ग्रेजुएशन कर चुका हूँ सर। बीएड कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मतलब कॉमन सेंस की आप में कोई कमी नहीं है? नहीं नहीं सर, नहीं सर। कहाँ के रहने वाले हो? मोदनगर के। मोदीनगर के। मोदीनगर? हाँ। गुजरात से हो? नहीं, दिल्ली साइड से, यूपी से। यूपी से? अच्छा, कॉमन सेंस है आप में? नहीं। क्यों नहीं है? बस है नहीं। है, है नहीं। कहाँ गई? बोलो यार। क्या है? बोलो। कहाँ गई है? बस गई नहीं है। कहाँ गई है? कहीं भी नहीं गई है। कॉमन सेंस है ना? पर ना नहीं है। चलो एक सवाल पूछूं मैं आपसे। हाँ। बताओ ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? ऐसा एक पेड़ है ना, मतलब हिंदुस्तान की जगह जगह पे है वो पेड़। आप यूपी से हो ना? हाँ, तो हमारे यहाँ है ही नहीं। नहीं सर, यूपी से हो आप, यूपी में भी पेड़ है वो। कहाँ है बताइए? जगह जगह पे होगा यूपी में। कहीं नहीं। नाम बताइए उस पेड़ का। नाम तो हम सर आपको बाद में बताएंगे ना, पहले आप अपनी तरफ से बताओ ऐसा कौन सा पेड़ है। हमारी तरफ से तो कोई पेड़ नहीं जिसमें की लकड़ी नहीं है। हो ही नहीं सकता पेड़ कोई? हाँ, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। आप बोलेंगे मैम? ना पूछे आपसे है? पूछे आपसे क्या पूछ रहे? बोलो। कॉमन सेंस है आप में? है कॉमन सेंस? सेमो सेंस। कॉमन सेंस कॉमन सब अनपढ़ है, ये थोड़ी पढ़ी लिखी है। चलो एक सवाल पूछूं मैं आपसे। तो सर ऐसा मैम कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? ना जिसमें लकड़ी नहीं होती। लकड़ी तो बेटा सब पे आम है, सगले पेड़ बढ़िया है, सब पे आम आते, सब पे नीम आते, सब पे अमरूद आम है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? लकड़ी ना होती बेटा, लकड़ी तो सब में हो है, पेड़ तो सारे में लकड़ी होती है, कोई भी पेड़ लगा लो बिना लकड़ी का कौन सा की बात है? कुछ वैसे ही मतलब ले जाइए हमें गिरफ्तार करके। इनके हिसाब से सभी पेड़ों में लकड़ी होती है, किसी और के पास चलते।
हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है सर, कॉमन सेंस। कोई बात नहीं, नहीं सर, बाद में खाएंगे सर। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं सर, बाद में खाएंगे। थैंक यू सर। अब हम आपसे एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछेंगे। हाँ जी, बताइए सर, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? ये भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। ऐसा एक पेड़ है ना, मतलब दुनिया की हर जगह पे होता लगभग वो पेड़। नहीं मेरे को नहीं, नहीं नहीं मेरे को नहीं बोला, केले का नहीं, मैं नहीं बोल सकता, मेरे को पता ही नहीं था। क्या नाम बता दे अपना? मनिका। कॉमन सेंस आप में ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है, आपको कैसे पता ज्यादा नहीं है? आई एम लिटिल डम, आई नो। कहां से आप? आई नो अबाउट मी ना, आई नो आई एम लिटिल डम। वैसे आप जम्मू गए हैं बाहर से? नहीं, वी आर फ्रॉम दिल्ली। ओके, आपसे कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा मैं। ओके, अगर ये ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? फ्रूट होता है उसमें, बट फ्रूट सारी जगह पे होता है, वैसा पेड़ कौन सा पेड़ है वो? नो आईडिया। मुकेश कुमार शर्मा जी। कहाँ के रहने वाले हो? अखनूर के। अच्छा, जम्मू गई हो? हाँ जम्मू के। कॉमन सेंस है आप में? हाँ जी। किसने बता दिया? हाँ जी सर, बताया किसने आज तक आपको? बताता, किसी को बताया होता ना, बंदे बताते हैं कि आप में कॉमन सेंस है, आपको बताया किसने? नहीं सर, किसी ने नहीं बताया, खुद पे भरोसा की है। हाँ जी। नीतीश। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। कॉमन सेंस है? हाँ। किसने बता दिया आपको? चलो तुमने बताइए। मैंने कब बता दिया सर? अभी तो बताइए। मैं तो पूछ रहा था, है तो मैंने बता दिया। किसने बताया? मुँह से बताया। कैसे, आपको खुद कैसे पता चला कि है मेरे में? तुमने तो बताया था, मैंने पूछा तो। अरे सर, मैंने तो आपसे पूछा कि आप तो में है, अभी तो बताया। नाम बता दे सर अपना। सुमित। कहाँ के रहने वाले? यूपी। कॉमन सेंस है आप में? बिल्कुल। किसने बताया आपको? बताया किसी ने, खुद पता है। खुद पे कैसे भरोसा है आपको? खुद पे भरोसा है, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने से कॉमन सेंस होती है? हाँ बिल्कुल। मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते उनमें कॉमन सेंस नहीं होती? हाँ बिल्कुल नहीं होती है। पक्की बात है? पक्की बात है। आप में कितने परसेंट है? अब ये परसेंटेज मुझे कोई नाप तोल के थोड़ी बताया गया, फिर भी आपको अगर इतना पता है, आपने है तो ये भी बताओ कितनी परसेंटेज है। नहीं, मुझे परसेंटेज की नॉलेज नहीं है कितनी है मेरे अंदर। कॉमन सेंस है आप में? हाँ जी। कॉमन सेंस है आप में? अभी तो नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है, क्या कह सकता हूँ। फिर भी मतलब होता है ना, कोई रीजन होता है क्यों नहीं है? बस जम्मू में रह के तो कॉमन सेंस ही खत्म हो जाती है। जम्मू में कॉमन सेंस खत्म? आपकी खत्म हो चुकी है मतलब? नहीं है, बिल्कुल है सर। कहाँ के रहने वाले हो? जम्मू के। जम्मू गई है। अच्छा सर, एक सवाल पूछूंगा आपसे कॉमन सेंस वाला। सर बताइए, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? वैसे तो बड़ा मशहूर पेड़ है, एक जगह जगह पे होता है, आपने उसका फ्रूट भी बड़ी बार खाया होगा। कोई आइडिया नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कॉमन सेंस लगाओ। ऐसा तो कोई पेड़ है ही नहीं जिसमें लकड़ी नहीं होगी। पक्की बात है? बात है आपकी बात। पपीता होता है, बट उसमें भी लकड़ी होती है। आपके हिसाब से नहीं होता कोई? चलिए, इनके हिसाब से ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसमें लकड़ी नहीं होती है। बात करते हैं कुछ और। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी? सर ऐसा तो अभी हमने कोई पेड़ नहीं देखा है। यूपी में भी होता है वो पेड़? मैंने लकड़ी क्या, वो ये जो अपना इसको क्या बोलते हैं, अरे भला नाम है, कांटे होते हैं और कुछ नहीं होता है। ऐसे कॉमन सेंस है आप में? हाँ जी। डरे क्यों है पहले ये बता दो। नहीं नहीं, डर नहीं है, अभी ट्रेन से उतर के डर लग रहा है? नहीं, चक्कर आ रहा है, थोड़ा चक्कर आ रहा है। कॉमन सेंस है आप में? हाँ जी। पढ़े नहीं है? पढ़े नहीं है सर। पढ़े नहीं, कॉमन सेंस है मतलब, थोड़ा सोचने समझने की जो होती है, नहीं समझ ही नहीं सकते कुछ मैं बोलूँगा जो। चलो एक सवाल पूछूंगा आपसे सर। बताओ सर, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? सर ये सब काम मुझे पता नहीं है। काम कौन से बोल रहा हूँ सर आपको, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती। लिपस्टिक का? लिपस्टिक का जी। लिपस्टिक का कौन सा पेड़ होता है? लंबे होते पेड़? नहीं सर, लिपस्टिक का कोई पेड़ होता है? सर मुझे नहीं पता है। ऐसा एक सुनो ना, दूसरे पूछ लो, मेरे को अभी ट्रेन से उतरा, मेरे को नहीं पता। आप गोरखपुर से हो ना? जी सर। गोरखपुर में भी पेड़ होता है वो जी। कौन सा पेड़ है? ऐसा एक पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती। क्या पता, सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या पता सर, अरे सोच तो लो थोड़ा। जी सर। नहीं बोलो। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? उसके फल भी हम खाते हैं उस पेड़ के, लकड़ी नहीं होती पर उस पेड़ में। उसमें लकड़ी नहीं होती? अमरूद तो नहीं है? नहीं सर, अमरूद में तो लकड़ी होती है। ऐसा एक पेड़ है ना, बड़ा मशहूर पेड़ है। पपीता है? वाह, बताओ ना कौन सा है। पपीता ही होगा? नहीं, पपीता नहीं है सर। सोचो ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं श्रीनगर का। श्रीनगर के? सर श्रीनगर में भी पेड़ होता है वो। आपने बड़ी बार फल भी खाया होगा उस पेड़ का?
कोई आइडिया नहीं है सर? नहीं नहीं नहीं, चलिए इनको कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा कौन सा पेड़ है, चलते हैं किसी और के पास। एक पेड़ है उसमें लकड़ी नहीं है, घूमा पेड़ है। कौन सा पेड़? घूमा घूमा। घूमा क्या होता है? वो उसके ऊपर फल होता है, नीचे से एक लकड़ी की टाइप निकलती है हल्का सा। लकड़ी है ही नहीं ना सर, बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है। लकड़ी है ही नहीं। हाँ तो वो फल नहीं, लकड़ी नहीं है, वो जो मुलायम होती है एकदम, घुमा नाम है उसका। लकड़ी नहीं है, लकड़ी नहीं है। लेकिन सुई बराबर भी है तो लकड़ी तो है उसमें। सुई बराबर भी है तो लकड़ी तो है, लकड़ी है उसमें। यदि सुई बराबर तो लकड़ी है उसमें। वो झूठ बोल रहे हैं मतलब? नहीं तो भाई आप बताइए, हमारे को तो पता नहीं है। उनको क्यों देख रहे हो आप, लगाओ ना अपना कॉमन सेंस। मैं हेल्प ले रही हूँ, मैं देख नहीं रही हूँ। बड़ा मशहूर पेड़ है, हर जगह पे होता है लगभग, आप खुद भी फ्रूट खाते होगे उस पेड़ का। I don't have any idea, sorry. इंडिया में तो सबसे ज्यादा होता है। कुछ तो सोच। पता नहीं। आपको कुछ आइडिया मैम? नहीं। बताओ सर, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? बड़ा मशहूर पेड़ है। कहाँ से रहने वाले, कहाँ के हो आप? बिहार के। बिहार में भी पेड़ होता है वो? सर हम जो भी पेड़ देखते हैं उसमें तो लकड़ होती है। ऐसा एक पेड़ है ना जिसमें लकड़ी नहीं होती, कौन सा है वो? ये तो नहीं पता होगा सर, हम लोग उतना दिमाग ही नहीं दौड़ाते हैं। दिमाग दौड़ाने वाली बात ही नहीं है, फल खाए हैं आपने उस पेड़ के, पेड़ नहीं पता आपको कौन सा? तो पेड़ पता ही नहीं है तो कैसे बताएं सर। चलिए इनको ये पेड़ पता नहीं है कि कौन सा है जिसमें फल भी उगते हैं पर उसमें लकड़ी नहीं होती, चलते हैं किसी और के पास। इधर देखो ना सर, ले लो जवाब ना, आओ आप दो ना। मैं भी जवाब दे। नाम बताओ सर अपना। नाथ जोगिंदर। अच्छा कॉमन सेंस है आप? कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या बोल रहा? क्यों नहीं है? एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं जवाब दे सकते हो? पूछो पूछो। बताओ सर ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? कौन सा पेड़ है लकड़ी होती? बड़ा मशहूर पेड़ है, हर जगह पे होता है हिंदुस्तान के। लकड़ी केला होता है, उसकी लकड़ी होती नहीं होती? केले की लकड़ी होती है। पक्की बात है? हाँ। कैसे बता आपको? ऐसा वो केला होता है, वो ऐसा होता है जावे जैसा। बताओ ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केले का पेड़ है, वो तो बचपन में बहुत खेला था और केला अभी भी खाता हूँ। नहीं पता नहीं इसका। बड़ा मशहूर पेड़ है केले का। हाँ, अच्छा केले का पता चल गया। हाँ किसी ने बताया ना आपको? हाँ। खुद नहीं लगाई कॉमन सेंस। फिर बताइए ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? बनियन। बनियन बनियन। पक्की बात? बिल्कुल श्योर, 100% श्योर। 100% श्योर? हाँ बिल्कुल। केले का पता चल गया आपको? कॉमन सेंस लगाइए। हाँ वही है। हाँ जी सर। सर ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केला। कैसे बता? लकड़ी नहीं होती केले में? केले में लकड़ी नहीं होती। पक्की बात है? पक्की बात है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केला के। पक्की बात है? एकदम पक्की बात है सर। और बोलिए। कोई आइडिया नहीं आपको? नहीं। अच्छा केले के पेड़ में लकड़ी होती है? केले के पेड़ में नहीं होती। फिर आप कहाँ से आए वो? दोस्तों कार्यक्रम के पहले भाग में हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, उसमें फल होते हैं और फल हम सब लोग आमतौर पे खाते भी हैं। रेलवे स्टेशन में आए कुछ लोगों से हमने ये सवाल पूछा था और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ये है कि वो केले का पेड़ होता है जिसमें कोई लकड़ी नहीं होती और उसके फल हम आमतौर पर खाते भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सही जवाब दिया और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस सवाल का भी हमें सही जवाब नहीं दे पाए। चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हम लोगों से एक आसान सा सवाल पूछेंगे कि YMDCA क्या है। जी हाँ, YMDCA एक कॉमन सेंस वाला सवाल है कि YMDCA क्या है। रेलवे स्टेशन में आए कुछ यात्रियों से हम ये सवाल पूछेंगे, तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और देखते हैं वो कॉमन सेंस इस सवाल में लगा पाते हैं या नहीं। नाम बताओ सर अपना। यशवीर। यशवीर। कहाँ के रहने वाले? यूपी बिजनौर। बिजनौर के। अच्छा कॉमन सेंस है आप में? जी कुछ तो है थोड़ा। कुछ तो है? कुछ मतलब क्या है? अनिल कुमार। कॉमन सेंस है आप में? थोड़ा बहुत तो है।
आप में भी इन्हीं की तरह थोड़ा बहुत? नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा ही है, इससे ज्यादा। अच्छा, इससे ज्यादा। हाँ। चलो एक कॉमन सेंस वाला सवाल आपसे भी पूछूंगा, बताइए YMDCA क्या है? ये तो सब कॉमन सेंस खो गया मैं। ये कॉमन सेंस है सर, बड़ा मशहूर एक चीज है। YMDCA क्या है? YMDCA कहीं सुना होगा नाम आपने? DCA मैंने सुना था पर अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो ना थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगा। नहीं भाई सर, नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है भैया। बड़ी मशहूर एक चीज़ है, अखबारों में भी आया था थोड़े दिन पहले। आया होगा पर ध्यान नहीं दिया मैंने। बोला तो आपको मैंने कॉमन साइंस आते जाते रहती है, दिमाग में बैठी चीज़ खो जाती है। अभी जा रही है आपकी? नहीं, जा नहीं, चली गई जी। अब कोशिश कर रहे लाने की, फिर भी नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं। चलिए, नहीं आपको जवाब नहीं पता इसका क्या? नहीं। और दूसरा कुछ पूछ सकते हो? नहीं नहीं, दूसरा तो बाद में पूछेंगे, पहले इसका बता दो ना। नहीं बता? नहीं, इसके बारे में नहीं पता। कैमरे में बोल दो, मेरे को नहीं पता। मेरे को नहीं पता। अच्छा सर, आज के ज़माने में अगर हम बात करें, कॉमन सेंस नहीं होती लोगों में, क्यों नहीं होती है जी? कॉमन सेंस क्यों नहीं होती आजकल लोगों में? कॉमन सेंस होती क्यों नहीं है? होती है लोगों में, होती है कॉमन सेंस, ये बात नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग उसको नहीं समझ सकते हैं, बहुत लोग होते हैं समझते हैं, जो समझते हैं वो कॉमन सेंस के लायक होते हैं। आप समझते हो? क्यों नहीं समझते भाई? चलो एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस का, YMDCA क्या है? DCA कंप्यूटर जो है। YMDCA YMDCA तो हम नाम सुना। बड़ी मशहूर एक चीज़ है, अखबारों में भी आ रहा था अभी थोड़े दिन पहले। खुद मैं वाच नहीं किया कभी, वाच करते तो सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। तब कॉमन सेंस वाली चीज़ है। नहीं, कॉमन सेंस चीज़ तो है, लेकिन जब हमने सुना नहीं तो बताएं कैसे। अच्छा सर, कॉमन सेंस है आप में? सर ओके है। कितनी है? कितने परसेंट है? जितनी होनी चाहिए। होनी कितनी चाहिए ये बता दो। होने तो 100 में 100 चाहिए। आप में 100 में 100 है। चलो एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा आपसे, बताओ सर YMDCA क्या है? क्या क्या? YMDCA क्या चीज़ है? ये तो नहीं पता मेरे को। बड़ी मशहूर चीज़ है, अखबार में भी पिछले दिनों आ रहा था उसके बारे में। अरे दो चार दिन से मैं अखबार पढ़ा नहीं हूँ सर। दो चार दिन नहीं, उससे पहले ही आया था। नहीं सर, मेरे को नहीं पता इसके बारे में सर। YMDCA क्या चीज़ है? सॉरी सर, नहीं मालूम है सर। बड़ी मशहूर चीज़ है, अभी थोड़े दिन पहले अखबार में भी आ रही थी। नहीं मालूम सर। जगह जगह पे लिखी होती है वो चीज़। ओहो, याद आना यार सर, याद आ रहा है लेकिन याद नहीं हो पा रहा सर। याद करो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ कॉमन सेंस। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। मैंने लगाओ ना, बीएड की हुई है आपको, इतना तो पता ही हो। वो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। वो तो ही है सर, समझ रहे हैं सर, आपका बात समझ रहे सर। सर आप हो गया सर? क्यों हो, क्यों गया सर, बताओ ना, YMDCA होता क्या? नहीं नहीं सर, ओ सर नहीं मालूम सर। YMDCA उधर क्यों देख रहे हो? नहीं पता भाई, लगाओ ना अपना कॉमन सेंस। अभी आप बोल रहे थे मेरे में बड़ा कॉमन सेंस है, पर कुछ नहीं की संभावना। नहीं पता भाई, लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ। YMDCA फुल फॉर्म भी इसकी नहीं पता यार। YMDCA क्या चीज है? फुल फॉर्म YMDCA क्या चीज है? ओ इतने पता है अपना, बताओ। बड़ी मशहूर चीज है, अभी चर्चों में थी पिछले दिनों। इतना मालूम नहीं सर हमें। आपको पता सर YMDCA? नहीं सर। थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं सर, उसके बारे में कंफर्म नहीं है इतना। कोई आइडिया? नहीं, कोई आइडिया नहीं इसका। अगर आइडिया होता तो हम बता देते क्या चीज़ है क्या नहीं है जी। अच्छा, मतलब कॉमन सेंस नहीं है? सर कॉमन सेंस तो है, वैसे इसको सुना नहीं है इतना। कभी नहीं सुना? बिल्कुल। आप बताएं सर? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। नहीं, बड़ी मशहूर चीज़ है, मतलब बचपन में भी बच्चों को पढ़ाई जाती है बड़ी बार। नहीं सर, इतनी नहीं है। कुछ नहीं पता? नहीं सर। चलिए, इनको पता नहीं है कि YMDCA क्या है, किसी और के पास चलते हैं। YMDCA क्या चीज़ है? वाई जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होगा मुझे। नहीं नहीं सर, बड़ा मशहूर है, वर्ल्ड वाइड ये जाना जाता है YMDCA। तो ये मुझे नहीं पता है। क्यों नहीं पता? अब पता नहीं है इसमें, पिछले दिनों बड़े चर्चों में भी था ये चीज़। नहीं, मुझे इस बारे में नहीं नॉलेज है ये क्या चीज़। अभी आप बोल रहे थे आप पढ़े लिखे हो। आप जिस चीज़ की नॉलेज स्कूल में पढ़ाया जाता है। नहीं तो मुझे नहीं पता ये चीज़। आपको पता सर YMDCA क्या? नहीं। क्यों नहीं पता? नहीं पता साहब, पढ़ा ही नहीं कभी। बड़ी मशहूर चीज है, अखबारों में भी आ रहा था थोड़े दिन पहले। YMDCA का पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया? क्यों आइडिया क्यों नहीं है? आइडिया है जिसका पता नहीं है, क्या आइडिया बताऊं। YMDCA क्या है? नहीं मालूम। बचपन में भी बड़ी बार पढ़ाई जाती है? नहीं, ध्यान है ना, बस नहीं ध्यान। बचपन में ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे? दिया, लेकिन ध्यान नहीं है अभी। चलो आप नाम बताओ सर। गौरव। कॉमन सेंस है आप में? थोड़ा बहुत लगता तो है। लगता है थोड़ा बहुत। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली।
चलो एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला, YMDCA क्या चीज़ है? YMDCA आई नो नो, अभी बोल रहे थे आप कॉमन सेंस है मेरे, नो पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है? नो बड़ी मशहूर चीज़ है, एक मिनट कौन सी क्लास में हो अभी? टेंथ में, अभी भी पढ़ाते होंगे आपको शायद? पढ़ाते तो हैं ही नहीं, YMDCA के बारे में? YMDCA पता नहीं आपको, पता सर YMDCA क्या है? नहीं सर, कोई आइडिया? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं आइडिया। ये बड़ी मशहूर चीज़ है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा क्या चीज़ है वो। सर हमें नहीं मालूम। चलो मालूम ही नहीं है, नहीं चलिए इनको तो बिल्कुल मालूम नहीं है YMDCA क्या है, किसी और के पास चलते हैं और देखते हैं, क्या पता उनको पता हो। दोस्तों कार्यक्रम के दूसरे भाग में भी हमने रेलवे स्टेशन में आए कुछ यात्रियों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि YMDCA क्या है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, पर लोग जो हैं वो हमारे सवालों को सुन नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे, इसलिए वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ये है कि YMDCA सिर्फ इंग्लिश के कुछ लेटर्स हैं, उसके अलावा YMDCA कुछ भी नहीं है। लोग जो हमारे सवालों को नहीं समझ रहे थे वो इस सवाल का जवाब हमें नहीं दे पा रहे थे। चलते हैं कार्यक्रम के तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में हम लोगों से एक टंग ट्विस्टर पूछेंगे, टंग ट्विस्टर लोगों को बोलेंगे पांच बार बोलने के लिए, तो आज का जो हमारा टंग ट्विस्टर है वो है रेड लॉरी येलो लॉरी। आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और देखते हैं वो हमारा ये टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं या नहीं। चलो आप नाम बताओ ना। अभिषेक। अच्छा कहते हैं बच्चे जो होते हैं ना वो टंग ट्विस्टर बड़े अच्छे से बोलते हैं, ठीक है बोलोगे? हमने बोलना है रेड लॉरी येलो लॉरी पांच बार, बोलो तेज पांच बार जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी बोलना है, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी। गलत हो गया। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। क्या रेड लॉरी येलो लॉरी बोल दो पांच बार तेज। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। गलत हो गया यार, क्यों होएगा गलत तो होएगा, गलत नहीं ना करना, वही तो बोल। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी। गलत हो गया। क्या बोलना है? रेड लॉरी येलो लॉरी पांच बार। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। गलत है। नहीं बोल पाएंगे, कैमरे में बोल दो, मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं बोल पाऊंगा। आप बोल पाएंगे सर? नहीं, ये और कुछ बोल सकता हूँ शायद, और कुछ नहीं ना बोलना, यही बोल। ये नहीं, ये तो लोगों से भी पूछ दिया आपने, ये कॉमन हो गया ना सब में एक सा फ्लेवर। ये भी नहीं ना बोल पाए आप, बोल सकते? नहीं तो मैं ये बोलना ही नहीं चाहता हूँ ना, मैं दूसरा बोलना चाहता हूँ। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। गलत हो गया। ऐसे गलत हो गया, गलत हो गया बीच में से, ऐसे बोलते हैं। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। येलो नहीं सर, येलो, रेड लॉरी येलो लॉरी। ये तो कन्फ्यूजन कर रहा है ना, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। गलत हो गया। नहीं बोल पा रहे सर। बोल तो रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? गलत बोल रहे हो ना बराबर। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी। इतनी आहिस्ता थोड़ा ना बोलना सर, कल पहुंचना है अपने ऐसे तो। अभी बोलना है अपने, जल्दी से बोलेंगे तो गलत होगा ही थोड़ा, जल्दी तो बोलना, तभी तो बोलना, वही तो होगा वही वाला। नहीं बोल पाएंगे, पक्का पापड़ वाला हालत हो जाएगी। करो करो ट्राई करो। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी। गलत है। आप बोल सकते हो? आप बोल सकते हैं मैम? नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकती, नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकती। क्यों आप क्यों नहीं बोल सकते? मुझे नहीं आती है। नहीं बोलो ना तो, ट्राई तो करो। नहीं आती है मुझे, क्या बोल। आप बोलोगे? आप बोल भाई। ना ना ना, रेड लॉरी। आप बोलोगे? रेड लॉरी येलो लॉरी पांच बार तेज। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। रेड लॉरी येलो लॉरी और ये रेड। गलत। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी। आप बोलेंगे मैम? क्या बोलना है क्या? रेड लॉरी येलो लॉरी पांच बार तेज। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। नहीं भाई, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। ये गलत हो गया। नहीं बोला जा रहा, नहीं बोला जा रहा, कैमरे में बोल दो मेरे से नहीं बोला जा रहा। नहीं नहीं, रेड लॉरी येलो लॉरी,
नहीं बोला जा रहा। कैमरे में बोल दो ना, बोलो मेरे से नहीं बोला जा रहा। मेरे से नहीं बोला जा रहा। रेड लॉरी येलो लॉरी, येलो रेड लॉरी, गलत हो गया। रेड लॉरी पांच बार बोला तेज, रेड लॉरी येलो लॉरी हुआ ना, येलो लॉरी। सर सॉरी सर, हो गया, नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं सॉरी। जय माता जी, जय माता जी। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। बोल दिया, बोल दिया। चलो जीत गए इसके साथ आप। दोस्तों टंग ट्विस्टर हम लोगों से इसलिए पूछते हैं ताकि उनकी फंबलिंग की प्रॉब्लम दूर हो सके और आराम से बात कर पाए, बात करते वक्त उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। आज भी हम रेलवे स्टेशन में आए थे लोगों की कॉमन सेंस को चेक करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, इस कार्यक्रम से आपका एंटरटेनमेंट हुआ होगा और शायद आपने कॉमन सेंस यूज करनी शुरू कर दी हो। इस कार्यक्रम के रिलेटेड अगर आप हमें सजेशन देना चाहते हैं या तो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia और व्हाट्सएप नंबर है 8716964444। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कॉमन सेंस के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि रजत सेठी को और कैमरामैन विजय कुमार को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।